सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एट्स का प्रोडक्शन। एंड आज के वीडियो पर मैं दिखाने वाला हूँ आप स्क्रीन पे ये जो डुअल वीडियो एडिटिंग देख पा रहे हो, इसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने वीएन एडिटर में। मीन्स सर, मैं वीएन एडिटर में दो वीडियो के साथ वीडियो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि एक वीडियो हमारा नॉर्मल रहेगा एंड एक वीडियो हमारे स्काई में रहने वाला है, ठीक है। साथ ही में यार इसमें स्लो मोशन, फास्ट मोशन, कलर ग्रेडिंग, ये सब सारा हम करने वाले और अपने वीडियो को काफी कमाल का क्रिएट कर लेंगे। ओके, नाउ वीडियो को अब जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यार यहाँ पे मैंने अपने वीएन एडिटर को ओपन कर लिया, जस्ट आप भी कर लेना। प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको जस्ट अपना वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये एरो वाले बटन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपका ये जो वीडियो वो इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है ना। सबसे पहले यार यहाँ पे हम लोग डुअल वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं, देन उसके बाद इसमें स्लो मोशन, फास्ट मोशन, कलर ग्रेडिंग करने वाले। ओके, सो डुअल वीडियो एडिटिंग करने के लिए क्या करना होगा, ये सेकंड वाला बटन पे आपको क्लिक करना है, मीन्स पीआईपी वाले बटन पे। तो इस पर हम सिंपली सा क्लिक कर देते हैं। देन उसके बाद वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद आपने अभी अभी जो वीडियो इम्पोर्ट किया है, जस्ट उस वीडियो को फिर से यहाँ पे आपको इम्पोर्ट कर लेना है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉप का, जस्ट इस पर आना है एंड इसे इस तरीके से क्रॉप करना है कि मीन्स आपका फेस है एंड स्काई है, ठीक है। तो इस तरीके से मीन्स यहाँ पे मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद इसको हमें डन करना है। उसके बाद इसे आपको मीन्स स्काई में लेके आना है एंड कुछ इस तरीके से अच्छा से मीन्स यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना होगा फुल स्क्रीन में, ठीक है। फुल स्क्रीन में एडजस्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको मार्क्स का एक ऑप्शन मिलेगा, सो इस पर क्लिक करना है, लीनियर पे क्लिक करना है, एक बार और लीनियर पे क्लिक करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद ये जो सर्कल दिख रहा है, जस्ट इसे आप नीचे लेके आना एंड ये एरो वाले बटन से जस्ट इसे आप थोड़ा सा नीचे करना, देन कुछ इस तरीके का इफेक्ट बन जाएगा, फेड वाला इफेक्ट। देन डन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमारा ये जो डुअल फोटो वीडियो एडिटिंग है जस्ट वो हो चुका है, बट इसे थोड़ा सा हम अच्छा से एडजस्ट कर लेते हैं। सो इसे मैं थोड़ा नीचे करता हूँ एंड इसका मीन्स ये जो मैंने क्रिएट किया यहाँ पे मार्क्सिन वाला, जस्ट उसे हम थोड़ा सा और कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये मीन्स लगभग बन ही चुका है। सो इसे थोड़ा सा एडजस्ट हमें करना क्या होता है, अच्छे से एडजस्ट करना होता है, ठीक है। सो जितना अच्छे तरीके से आप एडजस्ट करोगे उतना सही से आपका ये वीडियो क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद जस्ट इसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद इसमें स्लो मोशन, फास्ट मोशन या कलर ग्रेडिंग ये सब करने वाले हैं। ओके, नाउ इसको मैं एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ एंड देन उसके बाद इसका रेजोल्यूशन को सेलेक्ट करना है एंड इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके, सो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद सिंपली से आपको फिर से यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है एंड अभी भी जो आपने एक्सपोर्ट किया है जस्ट उस वीडियो को यहाँ पे इनको इंपोर्ट कर लेना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम कलर ग्रेडिंग कर रहे थे। सो कलर ग्रेडिंग करने के लिए सिंपली से आपको फिल्टर पे आना है एंड यार वीएन एडिटर में जो नया वाला वीएन एडिटर है इसमें काफ़ी सारे मीन्स फिल्टर ऐड कर दिए गए, तो आप इन्हें मीन्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको लास्ट में आना है एंड ये जो है स्कैनरी या क्या नाम है इसका, जो भी हो जस्ट इसमें आना एंड उसके बाद यहाँ पे S6, ठीक है, SC6 यूज कर लेना, काफ़ी सही इफेक्ट है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे डन करना है एंड इसी में यार यहाँ पे आपको एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, सो इस पर क्लिक करना है एंड इसका एक्सपोजर को जस्ट आप इंक्रीज करना, कॉन्ट्रास्ट को भी आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, देन ब्राइटनेस को भी इंक्रीज करना है, सेचुरेशन को भी इंक्रीज करना है एंड वाइब्रेंस को तो करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना एंड टेम्परेचर को भी थोड़ा इंक्रीज करते हैं, देन शार्पनेस को, और इस तरीके से करके यहाँ पे हमारा एक कलर ग्रेडिंग हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन करते हैं। सो इसे करने के लिए जब सिंपली सा स्पीड पे क्लिक करना है एंड नॉर्मली तो रेगुलर से किया जाता है बट हम लोग ऐसे करने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि हम स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन दोनों चाहते हैं। रेगुलर से होगा क्या कि या तो फास्ट हो जाएगा या तो स्लो हो जाएगा, मीन्स नॉर्मल रहेगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर दें ना। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड पॉइंट करना है, लॉन्ग प्रेस करना है एंड पॉइंट्स को ऐड करना है, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करना है, ऐड पॉइंट पे क्लिक करना है, इस तरीके से करके आपका ये हो जाएगा ना। उसके बाद क्या करना है, एक पॉइंट को ऊपर रखना है एंड दूसरे को नीचे, देन ऊपर, देन नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। इस तरीके से जस्ट आप कर लेना, काफ़ी सही वाला मीन्स इफेक्ट बन जाएगा। सो देख लेना जो भी पार्ट पे मीन्स आपको स्लो करना है उस पार्ट को जस्ट आप नीचे करना, स्पीड करना है, देन उस पार्ट को आप ऊपर करना, ठीक है। या फिर कहीं कहीं पे आप दो नीचे भी रख सकते हो जहाँ पे कि आपको मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए स्लो मोशन चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे जो है वो मीन्स थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए स्लो मोशन चाहिए था, तो मैंने दो दो को नीचे रख दिया, ठीक है। इस तरीके से जस्ट आप यहाँ पे इसे क्रिएट कर लेना, कुछ ऐसा आपका वीडियो रिजल्टेंट आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे फास्ट हुआ, देन यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा समय के लिए स्लो है, देन फिर से फास्ट होगा एंड देन उसके बाद फिर से हमारे थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ना, इस तरीके से करके आप यहाँ पे स्लो मोशन, फास्ट मोशन कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। देन उसके बाद इसमें सेक इफेक्ट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमारा ये मीन्स यहाँ से हमारा ये क्या हो रहा है, फास्ट मोशन आने वाला है, ठीक है, या फिर यहाँ पे हमारा
मीन्स यहाँ पे हम इसे स्प्लिट करते हैं एंड सेक इफेक्ट अप्लाई करने के लिए अपने वीडियो पे क्लिक करना है, एफएक्स पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जस्ट जो इफेक्ट आपको पसंद आ रहा है आप उसे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिटर अप, जिटर डाउन एंड बहुत सारे, तो इन्हें अप्लाई कर लेना एंड देन उसके बाद इसका ड्यूरेशन को आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, देन डन पे हम क्लिक करते हैं। नाउ उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये जो है वो सेक इफेक्ट आ चुका है। नाउ नेक्स्ट टाइम इसे जस्ट सिंपली से यहाँ पे एक म्यूजिक ऐड करते हैं एंड देन उसके बाद इसे एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे वीडियो क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो म्यूजिक वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे कोई एक म्यूजिक को जस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ इस म्यूजिक को अपन सेलेक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है एंड इसे एक्सपोर्ट कर लेना। नाउ इस तरीके से करके आप ये वीडियो क्रिएट कर सकते हो एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।